इस वीडियो में आपको दो ऐसी काम की जानकारी देंगे जो आपके काम आएंगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में ट्रेनों से डेली सफ़र करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि इनमें से एक खबर MST मासिक सीजन टिकट से जुड़ी है, जिसमें MST से यात्रा करने पर नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब आपको TC, TTE, स्लीपर में जाने से नहीं रोकेंगे। लेकिन MST होल्डर्स को रेलवे की 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। और दूसरी खबर है भोपाल से 6 अलग अलग शहरों के लिए शुरू होने वाली ट्रेनों को लेकर, क्योंकि रेलवे 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के सांसद के साथ बैठक करने वाला है। बैठक के माध्यम से भोपाल से नई ट्रेनों और अन्य जिलों के सांसद अपने अपने क्षेत्र की जरूरी रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग करेंगे। चलिए आगे जानते हैं वो कौन सी गुड न्यूज़ हैं जो डेली ट्रेनों में सफ़र करने वालों को मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है वो नीचे दिख रही सब्सक्राइब बटन, जिसे प्रेस करके आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, पहली न्यूज़ है सीजनल टिकट को लेकर। आपको बता दें कि रेलवे मासिक, त्रिमासिक और 6 मासिक 3 कैटेगरी में MST जारी करता है, और इन्हें बनाने के लिए आपको अभी तक किसी शर्त को मानना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब रेलवे नया नियम लेकर आ रही है, जिसके मुताबिक आप ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा तो कर सकते हैं, और इस नए नियम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रोज़ सफ़र करने वाले स्टूडेंट, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि देश का कोई भी राज्य हो, लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए सबसे सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाने वाले ट्रेनों का ही उपयोग करते हैं। रेलवे की सीनियर DCM प्रियंका दीक्षित के मुताबिक इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि नए साल से यह सुविधा लोगों को मिल सके। ताकि इस सुविधा का लाभ आपको नॉर्मल जनरल क्लास की MST के मुकाबले 20-30% अधिक किराया चुकाकर मिलेगा। यही नहीं, स्लीपर में बैठने के लिए रेलवे द्वारा बनाई जा रही कुछ शर्तें भी MST होल्डर्स को माननी पड़ेंगी। इसके मुताबिक यात्रियों को स्लीपर में जाने के बाद जिस यात्री की सीट पर बैठना है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं अगर यात्रा के दौरान कोई रिजर्व यात्री आपको सीट खाली करने को कहता है तो आपको सीट छोड़नी होगी। वहीं विवाद की स्थिति में आपको रेलवे की ओर से एक वार्निंग दी जाएगी। 3 वार्निंग मिलने पर आपकी MST पर लाल स्याही से रेड साइन बना दिया जाएगा, और अगली बार वो स्लीपर की MST नहीं बनवा पाएंगे। आखिरी शर्त, अगर त्यौहार का सीजन है तब MST होल्डर जबरन स्लीपर कोच में नहीं घुस पाएंगे, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन पर जुर्माना किया जा सकता है। नियम भले ही कैसा हो, लेकिन एक बात तो है दोस्तों, रेलवे के इस फैसले से कहीं ना कहीं जनरल डिब्बों में MST होने के बावजूद भी यात्रा करने को मजबूर लोगों को राहत मिलेगी। हो सकता है सुविधा नए साल से मिलने लगे, क्योंकि WCR के भोपाल जोन में ही 30,000-35,000 मुसाफिर डेली सफ़र करते हैं। चलिए अब दूसरी सबसे काम की खबर जान लीजिए, वो ये कि भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल और राजगढ़ के सांसद रेलवे के अधिकारियों के साथ 4 नवंबर को बैठक करेंगे, जिसमें भोपाल से प्रयागराज, पटना, सूरत, हुबली और पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन शुरू कराए जाने पर रेलवे मंत्रालय से मांग करेंगे। क्योंकि जब तक कोई मंत्री या सांसद मुसाफिरों से जुड़ी समस्या से रेलवे को अवगत नहीं कराता, तब तक रेलवे उस पर बहुत कम एक्शन लेता है। हालांकि जरूरी नहीं जिन शहरों के लिए सांसदों द्वारा ट्रेनें मांगी जाएं वो सब रेलवे उन्हें दे देगा। हो सकता है कि भोपाल से जिस स्टेशन जाने के लिए सबसे ज़्यादा वेटिंग देखने को मिलती है उस शहर के लिए नई ट्रेन मिल जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।